वेलकम टू माई चैनल ज्ञान द ट्रेजर। और योगा स्पेशलिस्ट सरोज जी हमें बताएंगी कि कपाल भाति कैसे करना चाहिए और इसके फायदे क्या क्या हैं। कपाल भाति करते समय श्वास नेचुरली जो आपके अंदर आए उसको लीजिए, लेकिन आपका सारा ध्यान होना चाहिए अपने अंदर से श्वास को बाहर फेंकने के लिए। आप जो डेली आप रहते हैं वो डेली आपका पूरा श्वास अच्छी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर दूषित हवा रहती है उसको आप नहीं निकाल पाते हैं। कपाल भाति का मतलब है उसको अपने छाती को फेफड़े को अच्छी तरह से खाली करना। तो देखिए हम आपको बताते हैं, श्वास जो नेचुरली आएगा उस पर ध्यान नहीं देंगे और केवल हम सांस बाहर निकालेंगे। देखिए जो सरोज जी कर रही हैं इस सांस को सिर्फ बाहर निकाल रही हैं और इसका जो एक्चुअल जो प्रेशर आ रहा है बहुत हद तक हमारे पेट पे आता है और हार्ट पे भी आता है। तो इसके जो फ़ायदे हैं ये बताएंगे सरोज जी आपको। तो यहाँ भी देखिए जो पोस्चर्स हैं उंगलियों के वैसे ही हैं और आप इसे ज़मीन पे बैठ के कर सकते हैं, आप इसे कुर्सी बैठ के कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। अगर आप यंग हैं और अगर आप कैपेबल हैं कि आप इसे ज़मीन पर आलती पालती मार के बैठ सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, पर अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और कंफर्टेबल नहीं है तो आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। मेन जो प्रोसेस ये है कि आप सांस को बाहर फेंक रहे हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ है जो बाबा रामदेव जी खास करके बताते रहते हैं, उनकी बात अलग है, उन्होंने भी ट्रेनिंग ली होगी कहीं ना कहीं से, तो सिमिलर ट्रेनिंग इन्होंने भी ली हुई है। तो कहीं से भी आपको चीज़ें जो हैं प्रोसेस जो है हर चीज़ का सेम होता है। और ये भी आपको 15 से 20 दफ़ा कर सकते हैं, स्टार्टिंग आप शुरुआत धीरे धीरे कर सकते हैं, आप इसको नंबर्स ऑफ कपालभाति बढ़ा सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, 10 से शुरुआत कर सकते हैं, 15 से शुरुआत कर सकते हैं, आप 100 तक जाइए, आप जितना ज़्यादा करेंगे फ़ायदा ही है। तो ये आपने प्रोसेस देखा, सरोज जी ने आपको बताया कपाल भाति करने का। इट्स वन ऑफ द बेस्ट योगा थिंग इन द वर्ल्ड एंड इवन द पीपल यूरोपियन कंट्रीज आर जस्ट इम्प्लीमेंटिंग इट ऑन देम। और हमारा ही योग वहाँ से योगा बन के आ रहा है और हम भी योगा वर्ड ही इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि हमारा योग है। तो बेसिकली ये है कि ये जो योग करते हैं तो बेनिफिट्स तो सरोज जी बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। तो ये जो नंबर्स हैं ये आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं और खुले वातावरण में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, किया तो घर के अंदर भी जा सकता है, घर के अंदर भी बैठ के कर सकते हैं, पर अगर खुला वातावरण हो, एटमॉस्फेयर अच्छा हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक फ्रेश एयर की ब्रीदिंग होगी, समुंदर का किनारा हो सकता है, हिल टॉप हो सकता है, जैसे सरोज जी अपने बंगले के टेरेस पे कर रही हैं, तो इट इज़ लाइक मोर और लेस की मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा। ओपन एयर में ही करना चाहिए और बाहर में करने से, क्योंकि आप जानते हैं कि सुबह सुबह जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं और ऑक्सीजन फेंकते हैं, तो हमें इसमें दुगना डबल बेनिफिट है क्योंकि हमारे अंदर शुद्ध हवाएं अंदर आएगी, ऑक्सीजन अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। अच्छा, आपने कपालभाति का प्रोसेस तो बता दिया, बेसिकली ये कि सांसों को बस छोड़ना है, केवल अपना ध्यान सांसों को बाहर निकालने पे करना है और आपका, और जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, मतलब इतना धीरे धीरे करना चाहिए और आपका पूरा जो है नाभि जो है वो पेट से सटे। अच्छा, मतलब बेसिकली नाभि को अपने रीढ़ की हड्डी में सटाना है और तब पूरा वो निकलेगा। आपने बहुत अच्छा बताया सरोज जी। अब ये मुझे बताइए कि इस कपालभाति जो हम करते हैं इसके बेनिफिट्स तो काफ़ी सारे होंगे। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हमें बस बेनिफिट आपके शरीर की कोई भी बीमारी है, आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, अगर इसको टाइम बढ़ाते हुए 10 मिनट से 5 मिनट से 10 मिनट 10 मिनट से 15 मिनट आधा घंटा आदमी अगर दिन भर में 2-3 बार कर ले तो उसकी हर तरह की बीमारियां दूर होती है। यहाँ तक कहा गया है कि आपके शरीर में कहीं भी सिस्ट हो, फाइब्रॉइड्स हो, उसको भी इससे इसके सहारे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होगी और वो भी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। इससे हमारे चेहरे पे ग्लो भी आता होगा। हाँ, कपाल भाति इसका नाम है, आपका कपाल जो है चमकने लग जाएगा क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, जितने भी आपके पॉइजन है अंदर, वो बाहर निकल रहा है।
इसके द्वारा आपका बाहर निकल रहा है और आपकी सोचने की जो भी निगेटिव आपके अंदर है वो भी बाहर निकल रहा है और जितनी बाहर की पॉजिटिव बातें हैं वो आपके अंदर जा रही हैं। अच्छा, ये जो कपालभाती हम कर रहे हैं, प्राणायाम भी आपने बताया, तो ये कपालभाती हमें खाली पेट ही करना चाहिए? हाँ, खाली पेट करना चाहिए। और बाई चांस अगर कोई आदमी सुबह फ्री नहीं हो शाम को करना चाहे तो फिर? तो खाना खाने के 4 घंटा बाद, मतलब खाना खाने के 4 घंटे का एक गैप चाहिए। हाँ, और एक बात और पूछ लो, हाई ब्लड प्रेशर वालों को एकदम धीरे धीरे करना चाहिए, कपालभाती धीरे धीरे करना चाहिए। तो अच्छा, कपालभाती के कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि किन लोगों को करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हर कोई कर सकता है? नहीं, हर कोई कर सकता है कपालभाती। मैंने ऐसा सुना है कि जो ब्लड प्रेशर जिन्हें रहता है उन्हें थोड़ा सा कुछ धीरे धीरे करना चाहिए। अच्छा, और जो हार्ट के पेशेंट हैं? हार्ट के पेशेंट को करना चाहिए, उन्हें भी धीरे धीरे करना चाहिए। इसका जो एक्चुअल प्रेशर है, एक तो आपने बताया कि नाभि को हम रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचते हैं, इसका प्रेशर हमारे हार्ट पे भी आता है? हार्ट पे आता है, उनका हार्ट क्लियर होगा। अच्छा, उनके जो भी अंदर दूषित हवा है वो बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा अंदर आएगा और उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक होगी। और ऑक्सीजन ही हमारे शरीर को जिंदा रखता है, तो ऑक्सीजन के द्वारा उनका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होके और वो ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। तो माय डियर सब्सक्राइबर्स एंड फ्रेंड्स, आज सरोज जी ने आपको बताया है कपालभाति करने के बारे में और आप इसे बिल्कुल अपनाइएगा कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग फॉर योर बॉडी। अगर आप सिर्फ कपालभाति भी करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। तो बेसिकली हमारे चैनल द्वारा ये ज्ञान आपको मिल रहा है, हम चाहते हैं कि ज्ञान आप पूरे वर्ल्ड को फैलाएं ताकि हमसे जो बेनिफिट आप उठा रहे हैं आपके द्वारा बेनिफिट और लोग भी उठाएं। यू कैन जस्ट शेयर माई वीडियो ऑन द अदर प्लेटफॉर्म्स ताकि और लोग भी इसे फ़ायदा उठा सकें। बाकी आप अपने कमेंट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हर नंबर इज़ on the description box. If you want anything special, not for disturbing thing, तो आप पूछ सकते हैं। She is specialist in homeopathic also. If you are in any problem regarding disease or something, you can just call her and ask the medicine. क्योंकि इनके अपने कुछ classes भी चलते हैं और non-beneficial organization भी ये चलाती हैं जहाँ बच्चों के लिए काफ़ी कुछ करती हैं, तो आपको भी मदद करने में कोई परहेज नहीं होगा। तो थैंक्स सरोज जी हमारे चैनल पर आने के लिए। So my dear friends, please subscribe to my channel and give your comments. Thank you. Welcome.